हेलो एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। दोस्तों आई होप कि आपने फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज उसको पहले डाउनलोड करिए, उसके बाद ही इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। क्योंकि ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि आपने देख लिया और खत्म हो गया, आपको साथ साथ में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको हर एक चीज साथ साथ में करना है। सो दिस इज लाइक डू एज यू गो, जैसे जैसे आप यहाँ पर बताया जा रहा है वैसे वैसे आप वीडियो को पॉज करें और साथ साथ में ये सब चीज करते चले, तभी आप इसको सही तरीके से सीख पाएंगे। तो ये दोस्तों ये इंटरफेस आपको दिख रहा है एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द सिंपलेस्ट इंटरफेस आई हैव सीन इन एनी ऑफ द वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इससे ज्यादा सिंपल इंटरफेस आप किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या क्या ऑप्शंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ऊपर ये दिख रहा है, आपको फाइल दिख रहा है, यहाँ आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट ऑलरेडी अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको ओपन कर सकते हैं। इम्पोर्ट मीडिया, अगर आप फाइल्स को इम्पोर्ट करना चाहे, फोल्डर्स को करना चाहे, या फिर वीडियोज को, आपके रॉ वीडियोज को या फिर रॉ पिक्चर्स को इम्पोर्ट करना चाहे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि इन सबके शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। डाउनलोड मीडिया, फ्लिकर से डाउनलोड करने के ऑप्शन देता है ये। देन उसके बाद रिकॉर्ड मीडिया, अगर आप खुद से रिकॉर्ड करना चाहे यहीं पर, आप लेट सपोज वेबकैम है आप में और आप डायरेक्टली इसी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। पीसी की स्क्रीन अगर आप कैप्चर करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं, और वॉइस ओवर भी अगर आप बैकग्राउंड साउंड भी रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। देन डिलीट प्रीव्यू रेंडर फाइल, ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। देन प्रोजेक्ट की सेटिंग्स, ये भी मैं न्यू प्रोजेक्ट में आऊंगा तो फिर से बताऊंगा आपको। इसके बाद आता है दोस्तों एक तो प्रेफरेंसेस और कीबोर्ड शॉर्टकट्स। प्रेफरेंसेस में दो तीन ऑप्शन है जो आपके काम के हैं। एक तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि जो भी आपका ग्राफिक कार्ड आपके इसमें है वो यहाँ पर सेलेक्टेड रहे। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पर उसका नाम आएगा और वो सेलेक्टेड रहे, इस चीज को इंश्योर कर ले पहली चीज। दूसरा, आप कितने कितने देर में आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, तो इसको आप 1 मिनट कर लीजिए क्योंकि 1 मिनट से कम का ऑप्शन देता नहीं है ये। तो इससे होगा क्या कि अगर आपके प्रोजेक्ट सेव नहीं भी है, आप सपोज काम करते करते आप इतना भूल गए कि सेव करना है, कई बार होता है उसके बाद अचानक सपोज कोई पावर और कट हो जाता है या सिस्टम हमारा किसी कारण से बंद हो जाता है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेव नहीं हो पाता है, तो ऑटो सेव का ऑप्शन इसमें दिया है, ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें मैं जो आप ऑप्शन आपको बोल रहा था न्यू प्रोजेक्ट में, आप यहाँ न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे आपको कई तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, इनको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो है दोस्तों वो है 16:9 वाइड स्क्रीन। ये यूट्यूब में जो स्टैंडर्ड वीडियो जो बनते हैं वो इसी साइज के बनते हैं। आप ये जिस तरह का वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये 16:9 में बनाया गया है, ओके। और YouTube में जो आप वीडियो डालेंगे ये 16:9 में बनेंगे, आप जितने एजुकेशनल वीडियोस आप बना रहे हैं वो सब 16:9 में ही बनेंगे। दूसरे आते हैं दोस्तों 1:1 के Instagram के रील्स। Instagram में आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, उसमें 1:1 मतलब एक स्क्वायर साइज के वीडियो आप इसमें से बना सकते हैं। देन उसके बाद पोर्ट्रेट फॉर्म आता है, पोर्ट्रेट फॉर्मेट मतलब 9:16 मतलब 9 उसकी विड्थ है और 16 जो है वो हाइट है, मतलब एक लंबा वीडियो जिस तरह से आप फेसबुक में देखा होगा, इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, तो वो पोर्ट्रेट साइज के वीडियो रहते हैं। देन उसके बाद 4:3 स्टैंडर्ड साइज है, आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा रेफर नहीं करते इसको। 21:9 ये हमारे काम का नहीं है, ये सिनेमा वाले जनरली ये यूजुअली ये वाला यूज करते हैं, बड़े पर्दे पे जिनको दिखाना रहता है वो 21:9 के लिए करते हैं। तो हमको जो ज्यादातर यूज आएगा वो ये 16:9 ही आएगा। आप अगर इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो 1:1 या 9:16 यूज कर सकते हैं। तो ये न्यू प्रोजेक्ट आपका यहाँ से हो गया। मैं आपको बोल रहा था प्रोजेक्ट की सेटिंग्स का, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट की सेटिंग आप कितने रिजोल्यूशन में करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको फुल HD में किया है, और चाहे तो आप 4K में भी कर सकते हैं, थोड़ा उसमें आपके जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा और हाई लगेगा अगर आप 4K में यूज करते हैं तो। एस्पेक्ट रेशियो 16:9 हमने किया ही है, इसको लॉक करना चाहे तो आप लॉक कर सकते हैं। यानी उसके बाद फ्रेम रेट आप कितना यूज करना चाहे, 30 FPS या फिर 60 FPS, जिस भी फ्रेम रेट में आप चाहें उस फ्रेम रेट में आप बना सकते हैं। फ्रेम रेट का मतलब होता है, FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में आपकी 30 फ्रेम रहेगी। 30 FPS का मतलब एक सेकंड में 30 फ्रेम रहेगी, ऐसी 60 FPS मतलब एक सेकंड में 60 फ्रेम रहेगी। तो जितनी ज्यादा फ्रेम रहेगी तो ऑब्वियसली क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी आएगी, लेकिन आपका जो टाइम है रेंडर टाइम वो उतना ज्यादा होगा, आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन उतने ज्यादा लगेंगे आपको। क्यों? क्योंकि हर एक फ्रेम को वो लेता है, हर एक फ्रेम को मतलब एक सेकंड में वो 60 फ्रेम्स लेगा, और कम करेंगे आप एक सेकंड में 30 फ्रेम तक भी आप कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस के लिए 30 फ्रेम भी अगर आप करते हैं तो दैट इज नॉट बैड, आप यूज कर सकते हैं उस चीज को, ओके। तो ये 30 FPS या फिर 29.9 FPS आप इसको यूज कर सकते हैं, मैंने ओके कर दिया। और कोशिश करें जिसमें आप रिकॉर्डिंग जिस FPS में कर रहे हैं उसी को यहाँ पर यूज करें, अगर आप 60 में कर रहे हैं तो 60 यूज करें, 30 में कर रहे हैं तो 30 यूज करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो ये आपका इसका ऑप्शन हो गया, फाइल का ऑप्शन हो गया।
एडिट के ऑप्शंस आपने कई जगह देखे हुए हैं, आपको पता है मैं बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, कट कॉपी पेस्ट वगैरह के ऑप्शंस रहते हैं, देन टूल्स में इंपोर्ट के ऑप्शन, देन व्यू में एंड देन हेल्प। ओके, तो ये सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दोस्तों इसके थोड़ा सा, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके, ये यहाँ पर आ जाते हैं हम ये वाली विंडो में, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये सब फिल्मोरा के टूल्स हैं, ये बहुत ही अच्छे टूल्स हैं और ये सारे एक तरह से शॉर्टकट टूल्स हैं, और इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि बहुत से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स फिल्मोरा आपको प्रोवाइड करता है, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ेगी आप ये चीज समझते जाएंगे कि किस तरह से किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि प्री डिफाइंड ऑडियो आपको देता है, प्री डिफाइंड टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता है, ट्रांजिशंस प्रोवाइड करता है, ये देखिए ये ऑडियो है, बहुत सारे बहुत से टाइटल्स ही प्रोवाइड करता है, टाइटल की स्टाइल्स आपको प्रोवाइड करता है कि आप चाहे तो जिस भी तरह के टाइटल्स को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन देता है। हम आगे उसको देखते हैं, पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर मीडिया। सबसे पहला जो आपका काम रहता है दोस्तों वो रहता है आपके मीडिया को इम्पोर्ट करने का, आपके जो वीडियोज है आप वीडियो को इम्पोर्ट कर सके, इमेजेस है तो इमेजेस को इम्पोर्ट कर सके, ऑडियो है तो ऑडियो को इम्पोर्ट कर सके। ओके, तो ये सबसे पहला ऑप्शन यही है, और इसमें आपको एक दिखेगा फोल्डर का ऑप्शन। ओके, फोल्डर एक तरह से जिस तरह से आप कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, अलग अलग फोल्डर में आप अलग अलग चीज रखते हैं, इसी तरह से आप पूरे एक प्रोजेक्ट की चीज आप एक साथ रख सकते हैं, या फिर पूरे एक वीडियोस को आप एक साथ रख दिए, देन उसके बाद दूसरा फोल्डर बना के पूरी इमेजेस को आप एक साथ रख दिए, तो इस तरह से आप फोल्डर वाइज अपने सारे मीडिया को आप मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक फोल्डर लेट सपोज हमने ये लिया है, ये वाला फोल्डर अभी है, तो कोई भी वीडियो अगर मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो या तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, और नहीं तो मैं सीधा सीधा यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा जो भी वीडियो, लेट सपोज ये दो वीडियो मुझे इंपोर्ट करना है, तो ये मैं दो वीडियो को इंपोर्ट कर दिया, ये दो वीडियो यहाँ पर आ गया, ये इस पर्टिकुलर फोल्डर में आया। अब मुझे एक और फोल्डर चाहिए जिसमें मुझे इमेजेस वगैरह डालना है, तो मैं यहाँ पर एक और फोल्डर करूंगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ इमेजेस। ओके, इसमें जितने भी इमेजेस है या कोई दूसरे एनिमेशन है तो उनको मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ये जैसे बैकग्राउंड की इमेज दिख रही है या फिर ये एनिमेशन दिख रहा है तो इसको मैं डाल दिया। ओके, ये इस तरह से आप मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, तो उससे होगा क्या कि आपको मीडिया को आपके टाइमलाइन में लेके आना बहुत सिंपल हो जाएगा। टाइमलाइन क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, तो ये हो गया ऑप्शन। दूसरा एक और ऑप्शन है दोस्तों शेयर्ड मीडिया का। शेयर्ड मीडिया में आप वो सारी फाइल्स रख सकते हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली काम आएगी, आपको हर इसमें काम आती है। लेट्स सपोज कोई बैकग्राउंड आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसको आप डाल दीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूट का लोगो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसको आप डाल दीजिए, शेयर के ऑप्शन, लाइक शेयर के ऑप्शन, सब्सक्राइब के ऑप्शन, ये सारे वीडियोज अगर आपके पास है तो इनको आप डाल दीजिए, तो ये इसी तरह के एक दो हम इसमें भी डाल देते हैं। ओके, तो ये कुछ एक YouTube आइकन से हमारे पास बने हुए हैं, जैसे ये बेल आइकन का हो गया, फिर उसके बाद नेम है, लाइक शेयर है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ये पहले से बने हुए हैं मेरे पास। आपके पास नहीं बने हुए हैं तो आप इससे बना सकते हैं, फिल्मोरा से आप बना भी सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया शेयर्ड मीडिया का, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो चीजें हैं जो आपको लगता है कि हर प्रोजेक्ट में आपको काम आएगी, उन सब चीजों को आप यहां रखें ताकि आपको ढूंढने में आसान जाएगा, अदरवाइज आपको फोल्डर उस चीज को छानना पड़ेगा। देन उसके बाद कुछ एक कलर्स यहाँ पर है ऑलरेडी, अगर आप उन कलर्स को इन स्क्रीन में अगर आप डायरेक्टली उन कलर्स को यूज करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स है, जो भी कलर आप यूज करना चाहे स्क्रीन में उसको एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहे बैकग्राउंड यूज करना चाहे, या जिस भी तरीके से एक पट्टी के रूप में यूज करना चाहे तो वैसा भी यूज कर सकते हैं। कुछ एक सैंपल वीडियोस है यहाँ पर, ये अगर आपको जरूरत पड़ती है इन वीडियोस की आपके किसी वीडियो में तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत से फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट्स है जहां से इस तरह के वीडियोस बहुत सारे मिलते हैं और वहां से भी आप उनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। एक अगर मैं यहाँ पर यूज करके देखूँ तो ये देखिए, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा ये यहाँ पर ये जो विंडो आपको दिख रही है दिस इज अ प्रीव्यू विंडो। ओके, इस प्रीव्यू विंडो में जो भी चीज आप देखना चाहें कि कौन सी चीज कैसी दिख रही है, जैसे मुझे देखना है कि ये वाला वीडियो कैसा दिख रहा है, एक तरह से काउंटडाउन का वीडियो है, पहले डाउनलोड हो रहा है ये, एंड देन इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये आप देख पा रहे हैं ये प्रीव्यू वीडियो में दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये विंडो जो आपको दिख रही है दोस्तों ये प्रीव्यू की विंडो है। अब हम अगला इसी पे आ जाते हैं, साथ में इसमें सैंपल ग्रीन स्क्रीन भी है, कुछ एक ग्रीन स्क्रीन के वीडियोस है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोजन वगैरह का अगर आपको कुछ इफेक्ट देना है उस तरह का, कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो आप वहां से कर सकते हैं।
सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके नाउ अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों इस पे जिसमें मैं बात कर रहा था, इस प्रीव्यू वीडियो विंडो पे। तो ये प्रीव्यू विंडो है, इसमें आपको जो भी कुछ जिस भी तरह से आपका जो फाइनल वीडियो दिखने वाला है वो आपको पहले ही यहाँ पर इस प्रीव्यू विंडो में दिख जाएगा। क्या क्या ऑप्शन है इसमें, मैं कोई भी एक वीडियो इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको बताया था, सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है दोस्तों ये है प्ले का ऑप्शन, देन उसके बाद स्टॉप का ऑप्शन। ये मैंने इस वीडियो को यहां पर लेके आ गया। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पर प्ले का, अगर मुझे प्ले करना है या पॉज करना है यहां से कर सकता हूं, स्टॉप करना है तो यहां से कर सकता हूं, फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन है। ओके इसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों ये है प्लेबैक की क्वालिटी, मतलब आपको किस क्वालिटी में यहां पर देखना है, प्रीव्यू में देखना है। जरूरी नहीं है कि ये क्वालिटी आपको वहां पर मिले, आपके ओरिजिनल वीडियो में तो जो आपने सेलेक्ट किया 1920 वही आपको मिलेगी, लेकिन क्योंकि प्रीव्यू में यूजुअली कई बार होता है कि लोड ज्यादा लेता है, और स्पेशली तब जब आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो वो क्या होता है कि लोड ज्यादा लेने लगता है, तो वो अटक अटक के चलता है प्रीव्यू में। ओके तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसको डाउन कर दीजिए, जितना आप डाउन करेंगे यहाँ पर आपकी क्वालिटी जो है वो उतनी थोड़ी सी डल दिखेगी, लेकिन आपका जो वीडियो है वो बहुत स्मूथली, जैसे ये अभी मैंने 1:16 कर दिया तो आप देख रहे हैं कितना डल हो गया ये, है ना। लेकिन अगर आपका सिस्टम अगर फुल को वो करता है तो अगर आप फुल करेंगे तो जिस तरह से एग्जैक्ट जैसा आपका दिखेगा वैसा ही यहाँ पर आपको प्रीव्यू में भी दिखेगा। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीव्यू देखने में दिक्कत जा रही है तो आप अपने हिसाब से 1/2 कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, जो करना चाहे आप वहां पर कर सकते हैं, राइट। ओके अच्छा उसके बाद ये आता है आपका यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिकॉर्ड करना चाहे तो एक तो आपको ऑप्शन वहां पर फाइल में भी दिख रहा था, दूसरा डायरेक्टली दिस इज अ स्नैपशॉट ऑप्शन। ये अगर आपको कुछ भी चीज कोई पर्टिकुलर इमेज आपको अलग से यूज करनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और ये सीधा सीधा मेरे मीडिया में आ जाएगी। मैं आपको मीडिया भी दिखा देता हूँ, ये मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पर से क्लिक कर रहा हूँ और ये डायरेक्टली देखिए यहाँ पर ये मीडिया में आ जाएगी। ओके ये थोड़ा सा मैं और बढ़ा के एक और कोई फ्रेम ले लेता हूँ और ये मैंने इसको क्लिक किया तो ये आप मीडिया में देख पाएंगे कि ये डायरेक्टली मीडिया में आएगी। ओके सिमिलरली अगर आप ये वॉल्यूम कम ज्यादा जो भी करना चाहे इस प्रीव्यू की वो यहाँ पर कर सकते हैं। फुल वीडियो अगर आप देखना चाहे तो ये फुल वीडियो का ऑप्शन आप दबा दीजिए तो ये वही प्रीव्यू आपका फुल स्क्रीन में दिखने लगेगा, देन वापस आपको हाफ स्क्रीन में करना है तो वापस आप क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर है, ये दो ऑप्शन हमारे क्लियर है, एक तो ये मीडिया वाला ऑप्शन, इसके बाद ये जो विंडो जिसमें आपको अपने आप अपने मीडिया को देख सकते हैं, और दूसरा ये प्रीव्यू की विंडो जिसमें आपका वीडियो एग्जैक्टली किस तरह से दिखने वाला है वो पूरी चीज आपको यहाँ पर दिख जाती है। ओके अब मैं आ जाता हूँ इसके थोड़ा सा नीचे और अब मैं आपको बताऊंगा ओके आई थिंक ये व्यू अब क्लियर है आपको। तो यहां पर दोस्तों अब हम देखेंगे दिस इज टाइमलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमलाइन आपकी, आपके जो भी वीडियो रहेंगे उन वीडियोस को आपको पहले इस टाइमलाइन में ही लाना पड़ेगा और यहीं पर लाके आप पूरी एडिटिंग आप इसमें कर पाएंगे। और इसके बाजू में जो दो आपको दिख रहे हैं वो ट्रैक दिख रहे हैं, ट्रैक में देखिए ये कि ये वीडियो का सिंबल दिख रहा है, मतलब ये आपका वीडियो ट्रैक है, ये ऑडियो का सिंबल दिख रहा है, मतलब इसमें आपका ये आपका ऑडियो का ट्रैक है। ओके अब इसमें आपको लेट सपोज कोई ट्रैक इंक्रीज करना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे एड वीडियो ट्रैक, एक एक्स्ट्रा वीडियो ट्रैक का ट्रैक मुझे डालना है तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो का ट्रैक डाल सकता हूँ। एक तरह से लेयर बाय लेयर है, एक वीडियो पहले आप ये एक वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर लेट सपोज कोई चीज आपको चढ़ाना है, कोई दूसरा वीडियो डालना है या फिर कोई टेक्स्ट डालना है तो आप उसके ऊपर एक ट्रैक बना के उसमें डाल सकते हैं। कुछ सिमिलरली ऑडियो में दो पैरेलल में दो ऑडियो चल रहे हैं, एक आपके वीडियो का ऑडियो है दूसरा बैकग्राउंड का ऑडियो, तो एक एक्स्ट्रा ऑडियो फाइल ऑडियो ट्रैक आप ऐड करके उस चीज को कर सकते हैं। ओके यहाँ पर आपको टाइम भी दिख जाता है कि कितने कितने टाइम में क्या क्या चीजें हैं, ये आपको दिख जाएगा। ऊपर के ऑप्शन में थोड़े से आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको और जब हम इस चीज पे आएंगे जब एडिटिंग पे आएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस ऑप्शन को। अभी इसको एक बार का ये देख सकते हैं, एक तो ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, अगर आपको इसको जूम करना है इस पूरे
ट्रैक को जो हमने इंपोर्ट किया है उस वीडियो को जूम करके देखना है, तो जूम इन द सेंस कि पूरी स्क्रीन में आपको वो दिखे, ताकि आपके लिए एडिटिंग जो है वो एडिटिंग बहुत इजी हो जाए, तो ये यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। सिमिलरली उसी का एक शॉर्टकट दिया गया है कि यही जो वीडियो जो अभी आपको दिख रहा है ये अगर एक साथ मुझे पूरी स्क्रीन में देखना है तो आप ये जूम टू फिट टाइमलाइन कर दीजिए, पूरी की पूरी टाइमलाइन में एक साथ ये वीडियो आ जाएगा। ओके, वापस से इसको अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर से जूम आउट कर दिया। ओके, ये ऑप्शन है, देन उसके बाद ये ऑडियो की ऑप्शन है, देन उसके बाद रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। ऑडियो आप कम ज्यादा करना चाहे, वॉल्यूम कम ज्यादा करना चाहे किसी का, तो यहाँ से कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो रिकॉर्ड का एक था, ऑडियो रिकॉर्ड का था, तो ऑडियो रिकॉर्ड का एक शॉर्टकट भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसके अलावा ये मार्कर, ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये आपके बहुत काम आ सकता है कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, पहले उसका प्रीव्यू देख रहे हैं और आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ एक चीजें उसमें डालनी है। मैं फुल व्यू आपको दिखा देता हूँ, कुछ एक चीजें अगर आपको उसमें डालनी लग रहा है, ओके, तो आप वहां पर उसको मार्क करके रख सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। ओके, ये मार्कर आ गया। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट सपोज एड इमेज वन, एक इमेज है मेरे पास, मैंने उसको नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। अब मुझे जब भी एडिटिंग करना रहेगा या आपकी टीम को जब एडिटिंग करना पड़ेगा तो उसको पता रहेगा कि यहाँ पर उसको करना क्या है। ओके, तो ये ऑप्शन आपके लिए भी हेल्पफुल है, प्लस अगर आपकी आप अपनी टीम से ये काम करवाते हैं तब ये बहुत ईजी जाएगा कि आप हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे उसको मार्क करके दे दीजिए कि कहाँ कहाँ पर उसको क्या एनिमेशन डालना है, कहाँ पर क्या टेक्स्ट डालना है, कहाँ पर क्या इमेजेस डालनी है। ओके, या आप खुद याद रखना चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब का बटन डालना है, यहाँ ये डालना है, तो वो चीज आप पहली बार जब आप देख रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज वही चीज आपको बार बार रिपीट करके देखना पड़ता है। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और एक दो ऑप्शन जो छूटे हैं मैं धीरे धीरे करके उस चीज पे भी आऊंगा। तो ये आई गेस ये आपके आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से टूल्स इसमें हैं, कौन कौन से ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, सारी टर्मिनोलॉजीज आई गेस आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक प्रॉपर हम वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं, इसमें टाइम लाइन में किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको आप ट्रिम कैसे कर सकते हैं, अगर आपको आगे पीछे का काटना है तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।